नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पायरोसॉफ्ट। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होता है फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वही सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था फॉर ईच लूप क्या होती है, किस तरीके से काम करती है फॉर ईच लूप, वही सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। और अगर मैं आपको बताऊँ तो लूप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आई होप। और हमने पूरा का पूरा सभी लूप हमने देख लिए, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, सभी हमने पूरे किए। तो आज हम फंक्शन के बारे लेने वाले हैं और फंक्शन को अच्छे से देखेंगे, किसको कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, किसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, वही सब कुछ हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारे PHP के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप पहले वो जाके एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सारे की सारे वीडियो मिलती रहे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। उससे पहले हम हमारा XAMPP सर्वर ऑन कर देते हैं। और अगर आपको नहीं पता है XAMPP सर्वर क्या है, किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप पहले हमारी पहली या दूसरी वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाए। और हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3M मैं वो यूज़ करता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है हमारा वेबसाइट का नाम कैसे देना है, वो index.php किस तरीके से डिफाइन करना है, तो आप जल्दी से जाके पहले से वीडियो देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चले। मैं हर बार बताते ही हूँ बट आप पहले से देखें तो आपको अच्छे से पता चलेगा। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या होता है फॉर ईच लूप, किस तरीके से काम करती है, वही सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फंक्शन देखने वाले हैं फंक्शन को। और यहाँ पे PHP को हटा देते हैं, चलिए सब कुछ हटा देते हैं। और अभी हम क्या करते हैं PHP के टैग को शुरू करते हैं और पूरा करके हम PHP स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे फंक्शन को हम लिखने का स्टार्ट करते हैं। सो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड। प्री डिफाइन इट मीन्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, आप यहाँ पे इको यूज़ करते हो, आप स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेट करते हो, आप सब कुछ वो काम जो करते हो वो प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं, वो हम प्री डिफाइनली यूज़ करते हैं, वो पहले से ही सिस्टम के अंदर है, PHP के अंदर है, आप वो यूज़ करते हो, इसीलिए उसको प्री डिफाइन फंक्शन कहते हैं। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ भी हम छेड़खानी नहीं कर सकते। बट यूज़र डिफाइन फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे। और यूज़र डिफाइन फंक्शन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है और आप यूजर डिफाइन फंक्शन इट मीन्स आप ही बनाते हो आपका फंक्शन और आप ही यूज करते हो आपके फंक्शन को। सो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से काम करता है। सो आपको पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन। जैसे ही आप फंक्शन लिखोगे और उसके बाजू में आपको उसका नाम देना पड़ेगा, आपको जो भी नाम देना है, आपको आपके अपने फंक्शन का नाम अपने काम से रिलेटेड देना चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता चले। अभी हमें नेम प्रिंट करवाने वाला फंक्शन बनाना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम का मेरा फंक्शन है। यहाँ पे हम दो ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे और पूरा कर देंगे। और इसके अंदर शायद एक ज़्यादा लग गया है। और इसके अंदर अभी हमारा जो फंक्शन का पूरा बॉडी होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। हमारी बॉडी का टाइप इधर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, एक पहले से ही हमें लिखना पड़ता है फंक्शन और हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम देना पड़ता है और यहाँ पे हमें फंक्शन की बॉडी देनी पड़ती है। यही हमारा से फंक्शन है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है फंक्शन। आपको प्री डिफाइंड कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन नाम लेके। सो आपने यहाँ पे नाम दिया प्रिंट नेम। और अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हम काम करेंगे इको और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड लिख के अभी हम इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। हमने फंक्शन तो बना दिया बट हम ऐसे ही फंक्शन रन नहीं होगा अगर आप Ctrl+2 सेव करें। और यहाँ पे आप अगर लोकल होस्ट और हमारी साइट का नाम था डेमो हमने दिया था वो हम दे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, हमें फंक्शन को कॉल भी करवाना पड़ेगा। सो हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे हम कॉल करवाएंगे
हमारे फंक्शन को पीएचपी स्टार्ट करेंगे, पीएचपी पूरा करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम करवाएंगे हमारे फंक्शन को कॉल। किस तरीके से करवाना है आपको? सिंपल से अपने फंक्शन का नाम प्रिंट नेम आपको देना है और यहाँ पे दो ब्रैकेट और बस काम हो गया हमारा पूरा। और कंट्रोल एस टू सेव। और अभी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ चुका है। इस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। और अगर आप इसको H1 टैग के अंदर लिखना पसंद करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं H1, और उसको इसको पूरा उठा के हम H1 के अंदर डाल देंगे। और कंट्रोल एस टू सेव एंड आप देख सकते हैं H1 हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से काम करता है फंक्शन। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर आप पैरामीटर डाल सकते हैं, पैरामीटर इट मीन्स बाहर से आपको जो भी वैल्यू आप दोगे इसके अंदर वही वैल्यू यहाँ पे कुछ काम करेगी और आपको आउटपुट देंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर यूज़र, हमारा जो नेम होता है वो भी हमारे प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे माई नेम इज, और यहाँ पे कॉन्केट कर देंगे इसी वेरिएबल को, डॉलर नेम को कर दिया हमने, डॉलर नेम नहीं है सॉरी, डॉलर यूज़र है, सो डॉलर यूज़र कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमने पैरामीटर वाला फंक्शन बनाया है, एक पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर अभी इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे हमने कॉल करवाया हुआ है, अगर इसको रन करेंगे कंट्रोल एस टू सेव करके तो आपको एरर मिलेगी। एरर क्या मिलेगी कि अनकोड द आर्ग्यूमेंट एरर। हमने आर्ग्यूमेंट उसके अंदर जो हमारा जो देने वाला है पैरामीटर हम देंगे वैल्यू वो तो हमने दिया ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे पहले नाम देना पड़ेगा। और मेरा नाम गर्वित मैं लिख देता हूँ। और अभी आप आउटपुट कंट्रोल एस टू सेव करके देखेंगे तो आपका आउटपुट आएगा माई नेम इज़ गर्वित। आप देख सकते हैं ये वैल्यू गर्वित वैल्यू यहाँ पे आई और ये इसी वैल्यू का यूज़ यहाँ पे हुआ। सो इस तरीके से काम करता है पैरामीटर वाला जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से काम है। यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू बाहर से लेनी है डॉलर यूज़र कर देना है और यूज़र के अंदर हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग हम डालेंगे गर्वित नहीं कोई वो डालते हैं राम डालते हैं। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से इसी वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे और लिख दिया। अभी क्या होगा, यूज़र का यही वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे वो कॉन्केट होगी। और कंट्रोल एस टू सेव और आउटपुट आप देख सकते हैं माई नेम इज़ राम। सो आपने देखा किस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से फंक्शन काम करता है। प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो अपने आप ही सिस्टम के अंदर ही होते हैं प्री डिफाइनली, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि हम जो फंक्शन बनाते हैं वही फंक्शन इस तरीके से काम करता है। सो आपने अच्छे से समझ लिया है, अगर आपने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चले। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसी के रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मुझे पता चले। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपने अभी तक PHP की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो पहले वो जाके एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिलती रहे। सो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गए हो गए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।